दोस्तों TWT टोकन जो कि ट्रस्ट वॉलेट का एक टोकन है, इसके अंदर काफी अच्छा पंप जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड एक बड़े पंप के बाद एक करेक्शन छोटा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और एक सपोर्ट लेवल पे रिक्वेस्ट का प्राइस आ चुका है। तो क्या यहाँ पे हमें बाइंग लेनी चाहिए या फिर यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं इसके अंदर, वो इस वीडियो के अंदर समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे ही और टोकन के बारे में जो कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है जिनके अंदर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो और ऐसे रिटर्न आपको वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बिटकॉइन का भी अपडेट लेंगे कि मार्केट के अंदर क्या चीजें यहाँ पे चल रही है और क्या एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि TWT टोकन या फिर ट्रस्ट वर्ल्ड का जो टोकन है, बेसिकली उसके अंदर हमें एकदम से पंप क्यों देखने को मिला और इतनी बड़ी रैली कैसे हमें एकदम से देखने को मिल गई। तो ये रैली की जो स्टार्टिंग हुई बेसिकली इस कैंडल से हुई थी जो कि 11-12 नवंबर को हुई थी, और ये जब होना स्टार्ट हुई थी जब आपको पता होगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है एक एक बार यहाँ पे ठंडे पड़ते हुए दिख रहे थे। ठंडे पड़ते हुए आपको याद होगा यहाँ पे कुछ टाइम पहले FCA का एक्सचेंज के साथ जो हुआ वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसके बाद Crypto.com को लेकर ऐसी न्यूज आई थी। तो काफी लोगों ने ये कहने लगा स्टार्ट कर दिया कि अब जो टाइम आ चुका है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट होने का, जहाँ ट्रस्ट वॉलेट एक सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास रहता है जब डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की हम बात करते हैं। तो काफी लोगों का मानना था अगर आपको अपना फंड सेफ रखना है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए और अपने जो एक्सचेंजेस के फॉर्म पड़े हैं उनको डाल के सीधे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर शिफ्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीरेट का ट्वीट भी आया कुछ घंटे पहले, आप देख सकते हो, जो चेकआउट कर सकते हो, जहां पे उन्होंने बताया है कि जो बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट है वो एक बहुत ही बड़ी रिलीज यहाँ पे करने जा रहा है, जहां पे ट्रस्ट वॉलेट अपना बेसिकली ब्राउजर एडेप्टेशन यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है। और ये काफी बड़ी न्यूज थी ट्रस्ट वॉलेट के लिए भी। उसके बाद हमें कुछ और गेम्स भी इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल चुके थे जो कि ऑलरेडी आप देख तो चार्ट्स के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ऑल ओवर ये सारी न्यूज थी मिलकर जिसके वजह से ट्रस्ट वॉलेट का जो टोकन था यहाँ पे TWT उसके अंदर हमें पंप देखने को मिला, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कुछ ऑफर भी उनके लिए रखे जाते हैं जो TWT को होल्ड करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, तो उनको कुछ ऑफर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हो वहाँ पे। तो उसका यूज केस भी हल्का सा बढ़ता हुआ दिखा जब ज्यादातर लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। अब बात करते हैं टेक्निकली क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है, क्या बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। बट उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोगों को ये चीज यहाँ पे शायद क्लियर ना हो कि ट्रस्ट वॉलेट भी यहाँ पे बाइनेंस खुद एक्वायर करता है। 2018 के अंदर बाइनेंस ने ट्रस्ट वॉलेट को एक्वायर कर लिया था। तो अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो होपफुली आपको आप पता चल गई होगी, कमेंट्स के अंदर भी बताना कि आपको पहले पता थी या नहीं पता थी। अब बात करते हैं टेक्निकली क्या चीजें यहाँ पे चल रही है, थोड़ा जुकाम है तो माफी चाहूंगा अगर आपको आवाज में दिक्कत लग रही हो। सबसे पहले डेली चार्ट अगर आप देखोगे, डेली चार्ट के अंदर कोई क्लियरिटी नहीं मिली क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा पंप आया, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है कि बड़े बड़े वेव्स एंटर कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर और इतनी बड़ी कैंडल हमें यहाँ देखने को मिली। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट डेली चार्ट के हिसाब से तो ये इस टाइम पे एक ऐसे जोन में आ चुका है जहां पे बाइंग बिल्कुल नहीं बनती डेली चार्ट के देखते हुए या फिर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बाइंग की, शॉर्ट टर्म हमें ट्रेड करके या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एक दो दिन के अंदर, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, क्योंकि अभी आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको यहाँ पे काफी टाइम से ये फेस कर रहा था, उसको ब्रेकआउट करा है और दोबारा गिर के रेजिस्टेंस के ऊपर आया। जनरली क्या होता है जब ऐसा मूवमेंटम होता है किसी कॉइन के अंदर तो ये आप देख सकते हो एक यहाँ पे आपको पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा, तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड की तरह आपको यहाँ पे पैटर्न भी दिख रहा होगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है अपसाइड में तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो इस ट्रेड के अंदर जनरली, यानी कि अगर 1 आवर कैंडल जो है इसके ऊपर यहाँ पे बनती है इस लेवल के ऊपर तो आप इस ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो या बाय लेना चाहते हो तो किस तरीके से लेना है, आपको सिंपल इस लेवल पे बाय करना है जो कि 2.19 का लेवल, लगभग ऑलमोस्ट $2.19 का लेवल है, यहाँ पे बाय करके जस्ट इसके नीचे 2.15 के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगा देना है, ताकि आपका लॉस भी होता है तो कोई बड़ा लॉस आपको यहाँ पे ना देखने को मिले। इससे क्या होगा आपका रिस्क जो होगा मिनिमाइज यहाँ पे हो जाएगा और आपका रिटर्न जो होगा यहाँ पे काफी हाई रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन एक बिल्ड करने की यहाँ पे कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो रिस्क रहेगा बेसिकली जो यहाँ पे हम मिनिमाइज करने वाले हैं वो इतना रहेगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 3.3% का यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा जो स्टॉप लॉस के हिसाब से रहेगा। इसको हम और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 3.53% का लगभग स्टॉप लॉस रहेगा आपका। टारगेट यहाँ से आप यहाँ तक का रख सकते हो जो कि आपका 16% का, तो काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके हिसाब से मैं पर्सनली यहाँ पे बाइंग ले लूंगा 1 आवर चार्ट को देखते हुए। तो ये तो काफी शॉर्टर टाइम फ्रेम का अपडेट था जिसको आप 1 आवर चार्ट के हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक दो दिन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। 4 आवर के अंदर आप आगे देखोगे तो आपको सिंपल सी एक चीज देखने को मिलेगी, लेवल लगातार यहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं, बड़ा पंप इसके अंदर आया है, तो अगर आपको सब्र करना है और लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो वो आपको $1.2 के अंदर ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से, $1.25 के अंदर, उससे पहले कोई बड़ी बाइंग यहाँ पे नहीं बनती मेरे हिसाब से जहां तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक रेड लाइन है जो कि हमारी SMA होता है बेसिकली, यहाँ पे बीच में जो बैंड के बीच में होती है रेड लाइन, तो उसके हिसाब से भी आप बाय कर सकते हो
क्योंकि ये भी एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करती है, ये भी 1.9 के आसपास यहाँ पे आ रही है। तो डिक्सी बाइक लेनी है 4R Z को देखते हुए तो 1.9 के हिसाब से बनती है, अदरवाइज और कोई यहाँ पे लेवल नहीं है। उसके अलावा बात करें बिटकॉइन के अपडेट की, तो आप देख सकते हो नॉर्मल सा वही मूवमेंट चल रहा है, एक रेंज के अंदर ही प्राइस बिटकॉइन का घूम रहा है। और अभी फिलहाल डायरेक्शन ले लिया प्राइस ने यहाँ पे जो हमारा 52 बैंड था उससे, अब देखते हैं क्या मूवमेंट आ सकता है। मेरे हिसाब से ये रेंज छोटी हो गई यहाँ पे और एक ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी हो रही है, मतलब इस रेंज के अंदर कुछ टाइम प्राइस घूमेगा उसके बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। मे भी वो अपसाइड है डाउनसाइड कह नहीं सकते, लेकिन जिधर भी आएगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, एक लंबा मोमेंटम देखने को मिलेगा, 5-10% इजली मार्केट वहां पर जाएगी जिस साइड भी आता है। तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना, जिधर भी बेसिकली यहाँ पे कैंडल बनती है आप 1 आवर चार्ट के अंदर यहाँ पे बैठ सकते हो खोल के, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है अगर $17,000 के ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग देती है तो वहां पे आप अपसाइड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो और एक बाय ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको वहां पे मिल सकता है। सेम वैसी कंडीशन रहेगी नीचे की साइड भी, उधर बनती है 1 आवर कैंडल तो वहां पे भी ट्रेड ली जा सकती है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे SMB फेमिट के बारे में, तो SMB फेमिट को आप देख सकते हो नॉर्मल अभी क्या मूवमेंट दिखा रही है। यहाँ पे जो एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, एक जो ट्रेड लाइन आ रही है काफी पुरानी, वहां पे जा रही है मार्केट। अब बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि यहाँ तक मार्केट जाए, फिर यहाँ से रिएक्शन लेके अगर मार्केट को क्रैश करना है तो क्रैश करे, अदरवाइज अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो लंबा मूवमेंट हमें साइड देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखते हैं ये मूवमेंट कैसा यहाँ पे रहता है, जैसे भी अपडेटों को आपको दे दूंगा। ऑलमोस्ट ये 4th बार 3rd बार टेस्ट है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए, और ब्रेकआउट आता है तो काफी पॉजिटिव होगा ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। उसके बाद क्रिप्टो की एक नई बुल रैली भी स्टार्ट वहाँ पे हो सकती है। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कुछ ऐसे टोकन मैं आपको बताऊंगा जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के टोकन हैं यहाँ पे, जिसके अंदर सबसे पहला नाम जो बोलूंगा मैं वो है DYDX का। अब आप देख सकते हो DYDX के अंदर भी अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसेंट्रलाइज वाले एप्लीकेशन है या वॉलेट्स हैं वो यहाँ पे पंप कर रहे हैं, उनके टोकन यहाँ पे पंप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो DYDX के अंदर भी वैसे ही पंप हमें कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी एक टोकन है जो अंडर डेटेड मेरे हिसाब से है, जो है यूनिस्वैप का। यूनिस्वैप भी एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आता है, जहाँ पे अगर आप टॉप एक्सचेंजेस देखोगे जो डिसेंट्रलाइज एप्स की बात हम करते हैं, वहाँ पे यूनिस्वैप का आपको नाम देखने को मिलेगा, DYDX का नाम देखने को मिलेगा, डोडो का नाम देखने को मिलेगा, पैनकेक स्वैप है, बहुत सारे यहाँ पे इन सब के टोकन भी है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। जो भी अंडर वैल्यू आपको लग रहा हो वहाँ पे बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये जो इस टाइम पे बाइंग बेसिकली पंप चल रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है उनके अंदर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है उनके अंदर, और डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है उनके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो ऑल ओवर यही अपडेट था, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।